हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरू के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं गोरू, आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, दो दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं डल पा रहा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत सॉरी। इसलिए क्योंकि इतना बिजी चल रहा है ना लाइफ का, सब कुछ टंडा फंडा अंडा सब कुछ इतना बिजी चल रहा है। ये देखो भाई साहब लगे हुए हैं अपना गपशप में, उधर मम्मी बाहर कर रही सफाई, मम्मी की थोड़ी तबीयत पता नहीं क्यों खराब हो रही है। तो गाइस उस बात के लिए बहुत सॉरी क्योंकि ब्लॉग नहीं डल पा रहा। आप सब वेट कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, आई रियली नो, क्योंकि आप मुझसे प्यार इतना करते। तो गाइस अपना प्यार तो बना ही रखना, लेकिन अब गाइस मुझे ना एक टोंड बहुत मिल रहा है, और उस टोंड से भी आपको मुझसे मुझे मतलब मुझसे नहीं मुझे आपको रिलीव कराना है बहुत जल्द। गाइस ये सब्सक्राइब बढ़वा दो गाइस मेरे, क्योंकि मैं टोंड सुन सुन के मैं पागल हो चुका हूँ। तो ठीक है, तो आज का सीन कुछ ऐसा है गाइस, हो चुके अपने शाम की बाबा जी की सेवा, और बाबा जी के आशीर्वाद से गाइस एक खुशखबरी और आ रही तो गाइस फाइनली मेरे घर पे, मतलब हमारे घर पे भी आ रहा है एक और मेंबर, एक और सदस्य घर का। तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, और आपको भी बस अपडेट दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो थोड़ा सा भी मम्मी से मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ क्योंकि मम्मी बाहर खड़ी है। तो गाइस मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई अभी अभी, लेकिन मैं अपनी चाय पी लेता हूँ क्योंकि चाय हो चुकी अब अपनी ठंडी, और ठंडी चाय बिल्कुल मस्त नहीं होती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय तो गर्मी अच्छी लगती है। तो अभी इतनी भी ठंडी नहीं हुई है बट पीने लायक हो चुकी है। तो गाइस जल्दी से चाय पी लेते हैं, और आप भी हमारे पी लीजिए चाय गर्मा गर्म। वैसे गाइस गर्मी तो हो रही है और चाय भी पी रहा हूँ, लेकिन गाइस खाने का मन कर रहा है पकौड़े, और पकौड़े है नहीं, और बनाने का मूड भी नहीं है, लेकिन खाने का मूड बहुत है। तो क्या किया जाए कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। गाइस मैंने आपको अपने इन फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिला आज तक, ये बहुत गंदा हो चुका है गाइस। और ये ना इधर मैं जब भी बैठता हूँ ना, मतलब मैं ही नहीं मम्मी भाई जो भी बैठता है ना इधर, ये हमारे पास आ जाते हैं इधर, मतलब बहुत ही पास। ये तीन ही है इसके अंदर, मैं इसमें ज़्यादा डाल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मतलब बहुत भरा भरा, ये इतना ही काफ़ी है। मैं इनको ही कर लूँ ठीक से, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो गाइस ये आ चुकी है मम्मी, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के, मम्मी को चेक कराना है बीपी। सो गाइस अभी हो चुकी है मम्मी से बात, और मम्मी अब डॉक्टर से अपने ले रही दवाई, तो ठीक है मम्मी दवाई ले रही है। और मम्मी से मेरी बात अभी जो हुई है वो ये हुई है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक अपडेट दी थी कि हमारे घर पे आ रहे हैं एक और मेंबर। तो चलिए गाइस मेंबर को लेके आते हैं, और दिखाता हूँ कैसे क्या जो भी बात है। तो चलते हैं गाइस, जय बाबा जी की। तो चलिए गाइस अपनी राइड हो चुकी है रेडी। तो गए आ चुके हैं घर में, और गए थे अपने साथ एक नया मेंबर लेके आने के लिए, इतने खुश हो गए गए थे गाइस, इतना हर्षोल्लास के साथ गए थे, लेकिन प्लान हो गया फ्लॉप, कैंसिल हो गया है। क्योंकि बताता हूँ कि क्या थी बात और क्या नहीं, लेकिन मेंबर नहीं आया, लेकिन हमारे साथ मैं अपने एक चीज़ ले गया, अपना फिश टैंक के लिए फिल्टर ले आया हूँ, और अपना एंटी क्लोरिन लेके आ गया हूँ, एंटी रिच हमारे पास रखा है। तो बता देता हूँ गाइस, हम लेने गए थे एक पपी, यस। तो पपी का सीन कुछ ऐसा था, पपी था लैब, बढ़िया मज़ेदार क्या सॉरी, मतलब अच्छा था, एक अच्छी ब्रीड थी, लैब थी, लैब्राडोर। हमारे यहाँ पे एक अंकल जी हैं, तो उनकी मतलब हमारे यहाँ पे मार्केट में बर्तन की शॉप है, उनसे एक बार हमारी बात हुई थी, तो वो उनको देना था डॉग, मतलब पपी, उन्होंने तो पपी बताया था। और तो अंकल जी से बात हुई थी हमारी, तो अंकल जी ने कहा था कि क्या नाम लेते हैं हमारा जो डॉग है, हमें देना है वो, क्योंकि बच्चे जो उनके घर में छोटे हैं वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस गलत बात है, बच्चों पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चे हमारे घर में भी हैं, और बच्चे मतलब एक दो दिन, मतलब थोड़े बहुत दिन के लिए हैं, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं चीकू पोंटी के, अभी अपने घर चले जाएंगे क्योंकि इनका एडमिशन अब उधर ही हो जाएगा, पहले बच्चे इधर पढ़ रहे थे, तो अब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं,
रिजल्ट आ चुका है, तो अब इनका जो एडमिशन है वो उधर उनके स्कूल में ही होगा। वो तो पपी नहीं आया है क्योंकि हम सोच के गए थे कि छोटा बच्चा है, लेकिन वो था बड़ा डॉग। बड़ा का मतलब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा बड़ा था, 6 महीने का डॉग था, लेकिन 6 महीने था इन द सेंस मेरा कहने का ये गाइस, उसको उनकी घर की हैबिट हो चुकी थी, वो उनमें घुल मिल चुका था। हमारे घर पे आके उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता गाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मतलब हमारे घर पे हम नया मेंबर समझ के लेके आए और उसको हमारे घर में आने में एडजस्ट, तो उसको हमारे घर में एडजस्टमेंट करने में, एडजस्ट होने में, हमारे साथ घुलने मिलने में बहुत टाइम लग जाता। पता नहीं वो कितने दिन तक खाता पीता नहीं, हम उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते, कुछ ना कुछ उसको अच्छा, उसको हैप्पी करने की कोशिश करते, वो नहीं हो पाता वो चीज़ कुछ दिनों तक या कुछ दिनों के बाद होता, तब तक वो कैसे रिएक्ट करता, वो कैसे रहता हमारे घर में। तो उस चीज़ को छोड़ के मतलब इस डॉग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा, मेरे साथ तो बहुत खेल भी रहा था, वो मेरे भाई के साथ भी बहुत खेल रहा था, मतलब इतना अच्छा था। उन्होंने बोला कि बिल्कुल फ्रेंकली है ये, तो हाँ भाई देख के उसको लगा भी, उसके साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया काफ़ी अच्छा था। लेकिन वो बस ये था कि वो उनकी फैमिली का मेम्बर हमारे घर में आने में बहुत उसको टाइम लगता, सिर्फ इस चीज़ के लिए हम उसे छोड़ के आ गए, वरना बिल्कुल फुल ऑन प्रिपरेशन करके गए थे, बिल्कुल मन से गए थे गाइस लेके आने के लिए, लेकिन नहीं लेके आ पाए, कैंसिल हो गया। कोई नहीं, फिर आगे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, तो फिर कोशिश करेंगे लेके आने की, बाकी अभी करते। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी कहा, जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब आजकल शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है, उसकी वजह से आपके पास मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए बार बार फिर से सॉरी कहूँगा। तो अभी के लिए गाइस आज के लिए इतना ही, और कोशिश करूँगा कि अब अपना डेली आपको अपडेट देता रहूँ। तो बने रहे गाइस अपने भाई के साथ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज करके दिखाओ बहुत सारी चीज़ें अपने भाई के लिए। मम्मी इधर खा रही खाना, क्योंकि मम्मी को खानी दवाई, और मम्मी भी सुन के थोड़ा सा ना अपसेट हो गया, इसलिए मम्मी अभी फेस नहीं कर रही है सैड, क्योंकि मम्मी का भी बड़ा मन था उससे मिलने का। जैसे मैंने गेट खोला, मम्मी ने फटाफट खड़ी होकर एकदम बीमारी भूल के वो देख रही है, एक्साइटेड हो गई, मतलब आ गए घर पे, चलो। लेकिन मम्मी सॉरी, कोई बात नहीं, मम्मी कह रही कोई बात नहीं, पता नहीं मन से कह रही कैसे कह रही। तो चलिए गाइस खा लेते खाना, आप भी हमारे साथ आके खाना खा लीजिए गाइस, करते अपना डिनर और करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार और सुझाव लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों के साथ प्रेम से रहें, और प्रेम से ही मेरे साथ रहें गाइस। राधे राधे।